नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। टिडवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। बल्याण येथील डोंगरवाली मैया मंदिरात अमावस्या व पौर्णिमा दिवशी महाभंडारा। आंबिवली बल्याणी रोड लगत डोंगरवाली मैया मंदिर असून मंदिराची स्थापना सन 2023 मध्ये करण्यात आली आहे। मंदिराला 20 वर्ष पूर्ण झाली आहेत। प्रत्येक अमावस्या व पौर्णिमेला शेकडो भाविक दर्शनासाठी येत असतात। तसेच आलेल्या सर्व भाविकांना महाप्रसाद व भंडारी दिला जातो। डोंगरवाली मैया भाविकांची झोळी भरते। तसेच सुंदर असा रम्य परिसर असून गोशाळा आहे। तसेच गरिबांसाठी फक्त 20 रुपयात औषधोपचार केले जातात। तसेच 18 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्री उत्सव असून शेकडो भाविक येत असतात। तसेच 20 फेब्रुवारी रोजी महाप्रसाद महाभंडारा आयोजित केला असून भाविकांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन डोंगरवाली मैया मंदिर संस्थाकडून करण्यात आले आहे। जय माता दी। सभी भक्तों को हम ये सूचित करेंगे कि डोंगरवाली मैया अम्बेवली टिटवाला के बीच पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ पे लाखों संख्या में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और इस मंदिर में हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को भंडारा होता है। यह मंदिर की स्थापना 2003 में की गई है। 20 साल स्थापना को हो गया है। 20 साल से भंडारा भी चलता है और लाखों लोग यहाँ पे सेवा करते हैं और माता से झोली भर के मुरादे ले जाते हैं। तो हमारा यही कहना है, आप भी भक्त जुड़िए। बाबा जी भी यहाँ पे अपना बहुत अपने तन मन से सहयोग से लोगों की भक्तों की भावनाओं को समझते हैं और मंदिर चल रहा है। बस हम आपको बताना चाहेंगे, मंदिर काफ़ी बड़ा है। बाहर भी कई लोग दूर दूर से आके विश्राम करते हैं। बैठने की जगह है, नीचे बगीचा है, लोग दोपहर में आके छाँव में बैठते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्रांगण है। आइए इस मंदिर का दर्शन करिए। और जैसे इस मंदिर में छोटी सी गौशाला है, छोटा सा दवाखाना भी है। कुछ गरीबों को दवा फ्री रहता है, अपाहिज को। बाकी कम से कम 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक पूरा इलाज करने की हम कोशिश करते हैं। हफ्ते में 2-3 बार डॉक्टर भी आते हैं। तो ऐसा यह मंदिर का नियम चल रहा है। अभी नया कार्यक्रम जैसे महाशिवरात्रि है 18 फरवरी को, उसमें काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। भोले बाबा के भक्त हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। और फिर 20 तारीख को अमावस्या आ जाती है, उसमें फिर भंडारा भी होगा। आइए, सबको आमंत्रण है। जय माता दी। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। उद्या पुन्हा भेटू याच ठिकाणी। धन्यवाद।